वैवस्वत मनु के वंशजों का वर्णन। लोमहर्षण जी कहते हैं, वैवस्वत मनु के 9 पुत्र उन्हीं के समान हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं: इश्वाकु, नाभा, धृष्ट, शर्याति, नरेश्यंत, प्रांशु, अरिष्ट, करुष तथा प्रशद्र। एक समय की बात है, प्रजापति मनु पुत्र की इच्छा से मैत्रा वरुण याग कर रहे थे। उस समय तक उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ था। उस यज्ञ में मनु ने मित्रा वरुण के अंश की आहुति डाली। उसमें से दिव्य वस्त्र एवं दिव्य आभूषणों से विभूषित दिव्य रूप वाली इला नामक कन्या उत्पन्न हुई। महाराज मनु ने उसे इला कहकर संबोधित किया और कहा, कल्याणी तुम मेरे पास आओ। तब इला ने पुत्र की इच्छा रखने वाले प्रजापति मनु से यह धर्मयुक्त वचन कहा, महाराज मैं मित्रा वरुण के अंश से उत्पन्न हुई हूँ, अतः पहले उन्हीं के पास जाऊंगी, आप मेरे धर्म में बाधा न डालिए। यूं कहकर वह सुंदरी कन्या मित्रा वरुण के समीप गई और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मैं आप दोनों के अंश से उत्पन्न हुई हूँ, आप लोगों की किस आज्ञा का पालन करूं? मनु ने मुझे अपने पास बुलाया है। मित्रा वरुण बोले, सुंदरी तुम्हारे इस धर्म विनय इंद्र संयम और सत्य से हम लोग प्रसन्न हैं। महाभागे तुम हम दोनों की कन्या के रूप में प्रसिद्ध होगी तथा तुम ही मनु के वंश का विस्तार करने वाला पुत्र हो जाओगी। उस समय तीनों लोकों में सुगम नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। यह सुनकर वह पिता के समीप से लौट पड़ी। मार्ग में उसकी भेंट बुद्ध से हुई। बुद्ध ने उसे मैथुन के लिए आमंत्रित किया। उनके वीर्य से उसने पुरवा को जन्म दिया। तत्पश्चात वह सुगम्न के रूप में परिणित हुई। सुगम्न के 3 बड़े धर्मात्मा पुत्र हुए, उत्कल, गए और विंताश्व। उत्कल की राजधानी उत्कला हुई। विंताश्व को पश्चिम दिशा का राज्य मिला था तथा गए को पूर्व दिशा का राजा हुआ। उनकी राजधानी गया के नाम से प्रसिद्ध हुई। जब मनु भगवान सूर्य के तेज में प्रवेश करने लगे, तब उन्होंने अपने राज्य को 10 भागों में बांट दिया। सुगुम्न के बाद उनके पुत्रों में इश्वाकु सबसे बड़े थे, इसलिए उन्हें मध्य देश का राज्य मिला। सुगुम्न कन्या के रूप में उत्पन्न हुए थे, इसलिए उन्हें राज्य का भाग नहीं मिला। फिर वशिष्ठ जी के कहने पर प्रतिष्ठानपुर में उनकी स्थिति हुई। प्रतिष्ठानपुर का राज्य पाकर महायशस्वी सुगुप्त ने उसे पुरवार को दे दिया। मनु कुमार सुगुप्त क्रमशः स्त्री और पुरुष दोनों के लक्षणों से युक्त हुए, इसलिए इला और सुगुप्त दोनों नामों से उनकी प्रसिद्धि हुई। नरेश्यंत के पुत्र शक हुए, नाभाग के राजा अम्बरीश हुए, धृष्ट से धाशक नामक क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई जो युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ते थे। करुष के पुत्र कारुष नाम से विख्यात हुए, वे भी रणोन्मत्त थे। प्रांशु के 1 ही पुत्र थे जो प्रजापति के नाम से प्रकट हुए। शर्याति के 2 जुड़वी संतानें हुई, उनमें अनर्थ नाम से प्रसिद्ध पुत्र तथा सुकन्या नाम वाली कन्या थी। यही सुकन्या महर्षि चयन की पत्नी हुई। अनर्थ के पुत्र का नाम रैव था, उन्हें अनर्थ देश का राज्य मिला। उनकी राजधानी कुशस्थली थी। रैव के पुत्र रैवत हुए जो बड़े धर्मात्मा थे, उनका नाम ककुंभी था। अपने पिता के ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण उन्हें कुशस्थली का राज्य मिला। एक बार वे अपनी कन्या को साथ लेकर ब्रह्मा जी के पास गए और वहाँ गंधर्वों के गीत सुनते हुए 2 घड़ी ठहरे रहे। इतने ही समय में मानव लोक में अनेक युग बीत गए। रैवत जब वहां से लौटे तब अपनी राजधानी कुशस्थली में आए, परंतु अब वहां यादवों का अधिकार हो गया था। यदुवंशियों ने उसका नाम बदलकर द्वारवती रख दिया था। उसमें बहुत से द्वार बने हुए थे। वह पुरी बड़ी मनोहर दिखाई देती थी। भोज, वृष्णी और अंधक के वंश के वसुदेव आदि यादव उसकी रक्षा करते थे। रैवत ने वहां का सब वृत्तांत ठीक ठीक जानकर
अपनी रेवती नामक कन्या बलदेव जी को ब्याह दी और स्वयं मेरु पर्वत के शिखर पर जाकर वन में तपस्या करने लगे। धर्मात्मा बलराम जी रेवती के साथ सुखपूर्वक विहार करने लगे। प्रोषिद्र ने अपने गुरु की गाय का वध किया था, इसलिए वे शाप से शुद्र हो गए। इस प्रकार ये व्यवस्थित मनु के 9 पुत्र बताए गए हैं। मनु जब छींक रहे थे उस समय इश्वाकु की उत्पत्ति हुई। इश्वाकु के 100 पुत्र हुए, उनमें विकुश्ची सबसे बड़े थे। वे अपने पराक्रम के कारण अयोध्या नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्हें अयोध्या का राज्य प्राप्त हुआ। उनके शकुनी आदि 500 पुत्र हुए, जो अत्यंत बलवान और उत्तर भारत के रक्षक थे। उनमें से वशाती आदि 58 राजपुत्र दक्षिण दिशा के पालक हुए। विकुक्षी का दूसरा नाम शशात था। इश्वाकु के मरने पर ही वे राजा हुए। शशात के पुत्र ककुस्थ और ककुस्थ के अनेना, अनेना के प्रथु, प्रथु के विष्टराश्व, विष्टराश्व के आर्द्र, आर्द्र के युवनाश्व और युवनाश्व के पुत्र शाश्वत हुए। उन्होंने ही श्रावस्तीपुरी बसाई थी। श्रावस्तक के पुत्र बृहद और उनके पुत्र कुवलाक्ष हुए। ये बड़े धर्मात्मा राजा थे। इन्होंने धुंधु नामक दैत्य का वध करने के लिए धुंधु कुमार नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की। मुनि बोले, महाप्राज्ञ सूत जी, हम धुंधु वध का वृत्तांत ठीक ठीक सुनना चाहते हैं, जिससे कुवलाक्ष का नाम धुंधुमार हो गया। लोम हर्षन जी ने कहा, कुवलाक्ष के 100 पुत्र थे। वे सभी अच्छे धनुर्धर, विद्याओं में प्रवीण, बलवान और दूरदर्श थे। सबके धर्म में निष्ठा थी। सभी यज्ञकर्ता तथा प्रचुर दक्षिणा देने वाले थे। राजा ब्रहश ने कुवलाक्ष को राजपथ पर अभिषिक्त किया और स्वयं वन में तपस्या करने के लिए जाने लगे। उन्हें जाते देख ब्रह्मर्षि उत्तंक ने रोका और इस प्रकार कहा, राजन, आपका कर्तव्य है प्रजा की रक्षा, अतः आप वही कीजिए। मेरे आश्रम के समीप मधु नामक राक्षस का पुत्र महान असुर धुंधु कुमार रहता है। वह संपूर्ण लोकों का संहार करने के लिए कठोर तपस्या करता है और बालू के भीतर सोता है। वर्ष भर में एक बार बड़े जोर से सांस छोड़ता है। उस समय वहां की पृथ्वी डोलने लगती है। उसके श्वास की हवा से बड़े जोरों की धूल उड़ती है और सूर्य का मार्ग भी ढक लेती है। लगातार 7 दिनों तक भूकंप होता रहता है, इसलिए अब मैं अपने उस आश्रम में भी नहीं रह सकता। आप समस्त लोगों के हित की इच्छा से उस विशालकाय दैत्य को मार डालिए। उसके मारे जाने पर सब लोग सुखी हो जाएंगे। ब्रहश बोले, भगवान, मैंने तो अब अस्त्र और शस्त्रों का त्याग कर दिया है। ये मेरा पुत्र है, यही धुंधु दैत्य का वध करेगा। राजर्षि बहुत अपने पुत्र कुवलाक्ष को धुंधु के वध की आज्ञा देकर स्वयं पर्वत के समीप चले गए। कुवलाक्ष अपने सब पुत्रों के साथ धुंधु को मारने चले। साथ में महर्षि उत्तंक भी थे। उत्तंक के अनुरोध से संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए साक्षात भगवान विष्णु ने कुवलाक्ष के शरीर में अपना तेज प्रविष्ट किया। दुर्दर्श कुवलाक्ष ने जब युद्ध के समय प्रसिद्ध हुए, तब देवताओं का यह महान शब्द गूंज उठा, ये श्री राम नरेश अवध्य है, इनके हाथ से आज धुंधु अवश्य मारा जाएगा। पुत्रों के साथ वहां जाकर वीरवर कुवलाक्ष ने समुद्र को खुदवाया। खोदने वाले राजकुमारों ने बालू के भीतर धुंधु का पता लगाया। वह पश्चिम दिशा को घेर कर पड़ा था। वह अपने मुख की आग से संपूर्ण लोकों का संहार करता हुआ जल का स्तोत्र बहाने लगा। जैसे चंद्रमा के उदय काल में समुद्र में ज्वार आता है, उसी के उत्ताल तरंगे बढ़ने लगती हैं, उसी प्रकार वहां का जल का वेग बढ़ने लगा। कुवलाक्ष के पुत्रों में से 3 को छोड़कर शेष सभी धुंधु की मुखाग्नि में जलकर भस्म हो गए। तदंतर महातेजस्वी राजा कुवलाक्ष ने उस महाबली धुंधु पर आक्रमण किया। वे योगी थे, इसलिए उन्होंने योग शक्ति के द्वारा वेग से प्रवाहित होने वाले जल को पी लिया और आग को भी बुझा दिया। फिर बलपूर्वक उस महाकाय जलचर राक्षस को मारकर महर्षि उत्तंक का दर्शन किया। उत्तंक ने उन महात्मा राजावर को वर दिया कि तुम्हारा धन अक्षय होगा और शत्रु तुम्हें पराजित न कर सकेंगे। धर्म में सदा तुम्हारा प्रेम बना रहेगा तथा अंत में स्वर्गलोक का अक्षय निवास प्राप्त होगा।
युद्ध में तुम्हारे जो पुत्र राक्षस द्वारा मारे गए हैं उन्हें भी स्वर्गलोक में अक्षय लोक प्राप्त होगा। धुंधुमार के जो तीन पुत्र युद्ध से जीवित बच गए थे उनमें दृढ़ाश सबसे ज्येष्ठ थे और चंद्राश तथा कपिलाक्ष उनके छोटे भाई थे। धृतराष्ट्र के पुत्र का नाम हरेश्य था। हरेश्य का पुत्र निकुंभ हुआ जो सदा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहता था। निकुंभ का युद्ध विषाद पुत्र सहास था। सहास के दो पुत्र हुए अक्रशाद्र और कुशाग्र। उसके हिमावती नाम की एक कन्या भी हुई जो आगे चल दृष्टवती के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसका पुत्र प्रसेनजित हुआ जो तीनों लोकों में विख्यात था। प्रसेनजित ने गौरी नाम वाली पतिव्रता स्त्री से ब्याह किया जो बाद में पति के शाप से बाहुदा नाम की नदी हो गई। प्रसेनजित के पुत्र राजा युवनाश हुए। युवनाश के पुत्र मानधाता हुए। वे त्रिभुवनी विजयी थे। शशबिंदु की सुशीला कन्या चैत्रथी थी जिसका दूसरा नाम बिंदुमती भी था जो कि मानधाता की पत्नी हुई। इस भूतल पर उसके समान रूप वाली कोई दूसरी स्त्री नहीं थी। बिंदुमती बड़ी पतिव्रता थी व 10,000 भाइयों की ज्येष्ठ भगिनी भी थी। मानधाता ने उसके गर्भ से धर्मज्ञ पुरुकुत्स और राजा मुकुटचंद के ये दो पुत्र उत्पन्न किए। पुरुकुत्स के उनकी स्त्री नर्मदा के गर्भ से राजा त्रसदस्यु उत्पन्न हुए। उनके संभूत का जन्म हुआ। संभूत के पुत्र शत्रुदमन त्रिदिनवा हुए। राजा त्रिदिनवा से विद्वान त्रयारुण हुए। उनका पुत्र महाबली सत्यव्रत हुआ। उसकी बुद्धि बड़ी खोटी थी। उसने वैवाहिक मंत्रों में विघ्न डालकर दूसरे की पत्नी का अपहरण किया। बाल स्वभाव कामासक्ति मोह साहस और चंचलतावश उसने ऐसा कुकर्म किया था जिसका अपहरण हुआ था वही उसके पुरुषवार की कन्या ही थी। इस अधर्म रूपी शंकु के कारण कुपित होकर त्रयण्णरुण ने अपने उस पुत्र को त्याग दिया। उस समय उसने पूछा, पिताजी आपके त्याग देने पर मैं कहां जाऊं? पिता ने कहा, ओ कुल कलंक, जा चांडाल लोकों के साथ रहे, मुझे तेरे जैसे पुत्र की आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर वह पिता के कथानुसार नगर से बाहर निकल लिया। उस समय महर्षि वशिष्ठ ने उसे मना नहीं किया। वह सत्यव्रत चांडाल के घर पास रहने लगा। उसके पिता भी वन में चले गए। तदंतर उसी अधर्म के कारण इंद्र ने उस राज्य में वर्षा भी बंद कर दी। महातपस्वी विश्वामित्र ने उसी राज्य में अपनी पत्नी को रखकर स्वयं समुद्र के निकट भारी तपस्या कर रहे थे। उनकी पत्नी ने अकाल ग्रस्त होकर अपने मंझले और पुत्र से गले से रस्सी डाल दी और शेष परिवार के भरण पोषण के लिए 100 गायें लेकर उसे बेच दिया। राजकुमार सत्यव्रत ने देखा कि विक्रय के लिए उसके गले में रस्सी बंधी हुई है। तब उस धर्मात्मा ने दया करके महर्षि विश्वामित्र के उस पुत्र को छुड़ा लिया और स्वयं ही उसका भरण पोषण करने लगे। ऐसा करने में उसका उद्देश्य था कि महर्षि विश्वामित्र को संतुष्ट करके उनकी कृपा प्राप्त करना। महर्षि का वह पुत्र गले में बंधन पड़ने के कारण महातपस्वी गालव के नाम से प्रसिद्ध हुआ।